हेलो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैं अपने जॉब से आया हूँ और डिनर भी ख़त्म कर चुका हूँ। अभी मैं अपने स्टूडियो में एंटर कर चुका हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे आर्टवर्क्स लगे हुए हैं। ये लाइट हमेशा हमेशा चालू ही रहता है। वैसे भी अभी मैं आज सोच रहा हूँ, लास्ट टाइम मेरे को इंस्टाग्राम पे 3 डेज पहले एक पर्सन ने एक पेंटिंग सजेस्ट किया है, तो मैं आज एक्रेलिक के साथ कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और वन थिंग, वो पेंटिंग थोड़ा भूत वाला है, तो आप अगर डरते हो तो ठीक है, तो संभाल के। बाकी नहीं डरते हो तो ये है बिंदास देखो। और क्या, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पूरी आउटलाइन यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी तो ये जस्ट नॉर्मली थोड़ा सा कार्टून टाइप लग रहा है आपको, लेकिन ये काफ़ी रियलिस्टिक बनने वाला है। बट ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये आज बनेगा या कल बनेगा। आज जितना भी होगा, जितना टाइम मैं इस पेंटिंग में दे पाऊँगा उतना मैं 100% दूंगा। बाकी देखते हैं, आज के डेट में हो सके तो कम्प्लीट ही कर देंगे। अभी आप देख सकते हो फर्स्ट लेयर मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ। जैसे कि हर बार मैं आपको समझाता हूँ कि लेयर टू लेयर आप अगर वर्क करते हो तो उतना ही जल्दी आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर लोगे, इतना ही ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाओगे। यहाँ पे मैंने एक लेयर अभी कंप्लीट कर चुका हूँ, तो अब मैं जब इसके ऊपर सेकेंड लेयर ऐड करूँगा तो मेरे को सारे चीज़ें क्लियरली पता होगा कि यहाँ पे ये चीज़ इस साइड से इस साइड जा रही है, तो मैं उस हिसाब से ही वर्क करूँगा। तो लेयर टू लेयर वर्क करना आपको आना चाहिए। तो आप मेरे इसी प्रकार डेली वीडियोस अगर देखोगे तो उसमें मैं आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हर पेंटिंग के थ्रू मैं आपको एक आध चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बिकॉज एक ही स्केच में अगर मैं आपको पूरा सब कुछ अगर एक्सप्लेन भी करूँ तो आप नहीं समझ पाओगे गाइस। दैट्स व्हाई मैं आपको अच्छे से, और ब्लॉग टाइप बन रहा है तो सही है ना फ्रेंड्स। और क्या, आप भी रियल टाइम वीडियो के थ्रू कुछ सीख पाओगे, डेली थोड़ा थोड़ा अपना स्केच में भी इम्प्रूवमेंट ला पाओगे। तो अभी टाइम लैप्स स्टार्ट कर देता हूँ, फिर आगे का वीडियो देखो और कुछ सीखो। अगर कुछ सीखते हो तो बता दीजिए, दिया करो कमेंट सेक्शन में।